लीजिए भाई, आप लोग का जो टॉप डीयू कॉलेज प्रेफरेंस है वो आ गया है। आप लोग को प्रॉब्लम था कि अरे सर, डीयू का फॉर्म तो आ गया लेकिन हम लोग प्रेफरेंस नहीं भर पा रहे हैं। कैसे भरें, इतने सारे कॉलेजेस हैं, किसको टॉप पे रखना है, किसको नीचे रखना है, ये चीजें हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही हैं। नॉर्थ कैंपस के कॉलेज अच्छे होते हैं, साउथ कैंपस के कॉलेज अच्छे होते हैं, बेसिकली इनकी फैसिलिटीज क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ का कैसा है, तमाम चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब कॉलेजेस की जो च्वाइसेस हैं वो रील्स बेसिस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे गर्ल्स कॉलेजेस हैं उन्होंने ऐसे ऐसे दमदार रील्स बना के डाल दिए इंस्टा पे कि लोगों का हालत खराब हो जाए। लड़का लोग तो परेशान ही हो जाता होगा, उसके जो कमेंट होते हैं पढ़ के बड़ा मतलब क्या बोलूं मैं कि पापा बस वही एडमिशन करा दो, आप समझ नहीं रहे हो, प्लेसमेंट तो हो ही जाना है। तो ऐसी कहानियां जो है, ऐसे रील्स जो है बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन हम लोग रील्स बेसिस पे नहीं देखेंगे, हम लोग उसकी क्वालिटी बेसिस पे देखेंगे, ठीक है? तो रियलिटी पे आ जाओ, बेसिकली ये वीडियो लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। भाई डीयू में 91 कॉलेजेस हैं। अब इतने सारे कॉलेजेस में तो कहीं ना कहीं हमें ये अंदाजा लगाना बेहद जरूरी है कि हम कौन से कॉलेजेस को टॉप रेफरेंस पे रखे हैं। दो टाइप के यहाँ पे कॉलेजेस हमारे यहाँ कैटेगराइज किए गए हैं, मैं पूरे कॉलेजेस को नहीं लिखा हूं, ध्यान देना। ये कॉलेजेस मैंने जनरलाइज बनाया है जो कि लगभग स्टूडेंट्स को भर देना चाहिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो तो डिपार्टमेंट ऑफ डैश 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 है, ठीक है? तो आप बेसिकली अपने सब्जेक्ट्स के अवेबिलिटी के बेसिस पे डायरेक्टली वो कॉलेजेस को टॉप पे रखना, इसीलिए मैंने इसको सबसे टॉप पे कर दिया है। जैसे कि अब इकोनॉमिक्स के लिए ये कॉलेज बहुत फेमस है, डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे बस डिपार्टमेंट वाइज कॉलेजेस हैं, यानी वहां केमिस्ट्री अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, तो आप डायरेक्टली उन कॉलेजेस को टॉप पे रख सकते हो, ठीक है? कॉलेजेस यहाँ पे जो लिखे गए हैं, इसके अलग भी जो कॉलेजेस हैं उसकी च्वाइसेस कैसे करना है बता देता हूँ। तो उसकी च्वाइसेस करनी है अपने एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई डीयू का अगर सपना हमेशा से रहा है कि नहीं डीयू में ही जाना है, स्कूल टाइम से बातें कर रहे हो तो डीयू में जाओ, लेकिन कई और बच्चे क्या करते हैं कि मेरे बाजू में है, मतलब वो एनसीआर एरिया में आ रहे हैं, नोएडा सेक्टर में आ रहे हैं, दिल्ली के एरिया, हरियाणा पंजाब में आ रहे हैं, मतलब नियर बाई में आ रहे हैं, और कॉलेज उनके पास में पड़ता है, उनके रिलेटिव रहते हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो कॉलेजेस इस बेसिस पे भी चूज करना चाहिए। बाकी एजुकेशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहले हम लोग कॉलेजेस की लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी, मिरिंडा हाउस बहुत रील वायरल होता है, हिंदू कॉलेज, हाँ, करोड़ीमल, हंसराज, रामजस, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दौलतराम कॉलेज, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लेडी इरविन, गुरु तेग बहादुर, स्टैफन, सत्यवती, लक्ष्मीबाई, श्याम, करोड़ी मल, ठीक है, कलिंदी, सॉरी कलिंदी, महाराजा अग्रसेन, ये हमारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं। बेसिकली नॉर्थ और साउथ में थोड़ा सा एक बात बस दिमाग में बैठा लूं कि नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस होते हैं डिमांडिंग होते हैं, क्योंकि यूपीएससी के कोचिंग्स और थोड़ा एरिया वाइज एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ कोचिंग अवेलेबल है, और जो बेसिकली मेन डेली का क्राउड है ना वो इधर ही है, मतलब एजुकेशनल हब जो बोल सकते हैं वो बेसिकली इन कॉलेजेस के नियर बाई ज्यादा है, एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ध्यान देखना। साउथ कैंपस में ठीक है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ साउथ कैंपस, इसमें जो भी कॉलेज आएंगे आप भरते जाना। लेडी श्री राम कॉलेज है, ठीक है, वेंकटेश्वर, कमला नेहरू, शहीद भगत सिंह, आत्माराम, मैत्रेयी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रील्स, रियलिटी में इस कॉलेज को भी आप भर सकते हो अगर आप टॉप कॉलेज। दयाल सिंह, ठीक है, शिवाजी, रामलाल आनंद, तो यहाँ पे भी जो अपने डिपार्टमेंट है उनका नाम डाल के आप चेक कर लेना। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आपको भरने हैं, लेकिन अब किस बेसिस पे हमारे कॉलेजेस की चॉइसेस होनी चाहिए, फाइव पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्लीज यहां से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि वो लिस्ट में जनरलाइज बनाया है, उस लिस्ट को आप अप डाउन भी कर सकते हो। कॉलेज लेगेसी, ध्यान देना कि ये कॉलेज का जो स्टेबलाइजेशन है वो कितना ओल्ड है, यहाँ के जो एलुमनाई है वो कहाँ कहाँ पे है, उसकी रैंकिंग क्या है, चाहे नेक की ग्रेडिंग हो, चाहे एनआरएफ की रैंकिंग में आती हो, बेसिकली जिस भी रैंकिंग में है उस कॉलेज की रैंकिंग को आप देखो, वहां के स्टेबलाइजेशन को देखो, वहां के एलुमनाई को देखो, प्लेसमेंट सेल को देखो, इस बेसिस पे कॉलेज को हमेशा टॉप पे रखना, ठीक है? एरिया वाइज भी देखना, कोचिंग वाइज भी देखना, ये तमाम चीज है। नॉर्थ और साउथ कैंपस में हमेशा नॉर्थ कैंपस मोर देन साउथ कैंपस, ठीक है? यानी कि इधर वाले जो कॉलेजेस हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए साउथ वाले के कंपेरिजन में, ठीक है? को एडेड कॉलेजेस, यहाँ पे देखो सर डिबेट हो सकता है, को एडेड कॉलेजेस या आप गर्ल्स ओनली कॉलेजेस भी प्रिफर कर सकते हो, लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी लड़कियां हो सकता है लड़का ना पसंद करती हो, या उनको एक सेफ माहौल लगता है कि कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं है, हम लड़कियों वाले में ही रह के पढ़ लेंगे, तो भाई ठीक है। आप गर्ल्स बहुत सारे यहाँ पे, तो बहुत सारे गर्ल्स स्पेशल कॉलेजेस हैं, जितने रील्स वायरल होते हैं तो गर्ल्स कॉलेजेस के ऑलमोस्ट होते हैं। बाकी को एडेड सोसाइटी के हिसाब से मैं प्रिफर करता हूँ कि होना चाहिए, को एडेड में थोड़ा
वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, नहीं डिबेट में जरूर करता इस पे, मतलब आपको कुछ पॉइंट जरूर गिनाता। ऑलरेडी आप जानते हो क्वारंटाइन के फायदे अपने आप में है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है, दोनों लोग एक साथ ही रहते हैं लड़का लड़की, तो जरूरी है कि हम लोग उस माहौल में पढ़े जहां पे सोसाइटी एक्चुअली पैरेलल चलता है। ठीक है, डोंट प्रीफर इवनिंग कॉलेजेस ओवर मॉर्निंग कॉलेजेस। हम यहाँ पे जो दिल्ली में कॉलेजेस होते हैं वो सुबह शाम वाले भी चलते हैं, ठीक है, यानी दिन में चलेगा शाम में भी चलेगा, तो आप लोग कोशिश करो कि डे वाले टाइम के जो कॉलेजेस होते हैं उसे प्रेफर करना, ठीक है, जिससे कि शाम का पूरा टाइम बचा रहे और आप उसको अपने कोचिंग टाइम में लगा सको। बाकी इमरजेंसी में हर किसी को देखो मिलेगा नहीं, कुछ लोग तो इवनिंग वाले कॉलेज में जाएंगे भी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, तो मार्क्स अगर आपको अच्छे हैं तो आप इवनिंग में क्यों जाओगे, तो आप मॉर्निंग वाला ही चूज करना। तो ये कॉलेजेस के होम पेज पे जाके इन कॉलेजेस की हिस्ट्री चेक करना, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं, यानी कि आप चाहो तो आप घर बैठे काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। यानी अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है काउंसलिंग वाला, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहां पे आप जाइए कॉल करिए, डायरेक्टली घर बैठे आप काउंसलिंग करा सकते हो, यानी साइबर वाले पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एरर होने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट टीम है ये आपका काउंसलिंग कर देगा उसी पैसे में जो आप साइबर वाले को देते थे, ठीक है। और ये लोग आपके प्रेफरेंसेस भी भर देंगे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना भूल गया, ठीक है, लास्ट है प्लेसमेंट। बेसिकली आप अपने उस सब्जेक्ट्स की विशेषता को जाने, जिस भी पर्टिकुलर आप कोर्स के लिए जा रहे हैं वो कोर्स वहां पे कितना बढ़िया चलता है और उसकी प्लेसमेंट सेल वहां पे है कि नहीं, ठीक है, या वहां से पढ़ने के बाद बच्चा कहाँ कहाँ जा रहा है, तमाम चीजें डिस्कस कर लो अपने कुछ बड़ों से, अपने घरों में यूट्यूब ऑलरेडी अवेलेबल है, गूगल बाबा अवेलेबल है, तो आप वहां पे चीजों को जानने के बाद ही फॉर्म भरें डीयू का, ठीक है, और प्रिफरेंस से भरें। मुस्कुराते रहिए, बहुत से शुभकामनाएं, प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।